क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अब बॉलीवुड में धूम मचाने आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सचिन तेंदुलकर अपने जीवन पर बनने वाली फिल्म में खुद भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इस फिल्म का नाम तय नहीं हो पाया है। मुंबई की निर्माता कंपनी 200 नॉट आउट के अनुसार ब्रिटिश निर्देशक इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। यह फिल्म 1.5 से 2 घंटे के बीच होगी, जिसे इस साल के आखिरी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में सचिन के क्रिकेट जगत से जुड़े खास पलों के साथ ही उनकी निजी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को भी शामिल किया गया है। फिल्म रावण के बाद शाहरुख खान जल्द ही एक और एनिमेटेड किरदार में नजर आने वाले। शाहरुख का यह एनिमेटेड अवतार अथर्स द ओरिजिन नाम की नोवेल पर बन रही फिल्म ट्रेलर में नजर आया। इस अवतार में शाहरुख योद्धा की तरह सिर पर सींगों वाला मुकुट पहने पहाड़ों और चट्टानों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। इस ग्राफिक फिल्म में एक योद्धा के खतरनाक जानवरों और राक्षसों से अकेली लड़ी गई लड़ाई और उसकी कठिन यात्रा की कहानी का चित्रण किया गया है। बॉलीवुड बादशाह को इस नए अंदाज में देखने के बाद उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं। आगामी फिल्म शमिता में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे धनुष। रांझना से बॉलीवुड में कदम रखने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता धनुष का कहना है, बॉलीवुड में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वह यहाँ अपने किरदार के साथ प्रयोग करने में जरा भी नहीं डरते। धनुष दक्षिण भारतीय फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं, पर उनके मुताबिक यह वह किसी भी तरह के किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि शमिता में रोल देने के लिए मैं बाल्की का शुक्रगुजार हूं और अमिताभ के साथ काम करके खुद को धन्य समझती हूं। फिल्म में रेखा और अक्षरा हसन भी मुख्य भूमिका में है।